हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम खान और आज सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने YouTube की वीडियो को Facebook में शेयर करेंगे, वो भी बड़े थंबनेल के साथ। दोस्तों, जब भी हम अपने YouTube की वीडियो को Facebook पे डायरेक्ट शेयर करते हैं तो उसका जो थंबनेल है कुछ इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा थंबनेल है और उसके अलावा जो है किसी को पता भी नहीं चलता कि ये एक्चुअली वीडियो है या क्या है। तो दोस्तों, आज मैं वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने YouTube की वीडियो को बड़े थंबनेल के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो जो है शेयर किया है और इसमें जो है प्ले का बटन है, जो YouTube का प्ले बटन है वो भी इस थंबनेल में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट है। पहले जो है मैं लिंक टू fb.com यूज़ करता था, मगर दोस्तों उसमें अभी जो है प्ले बटन जो है वो नहीं मिलता है। यानी कि आप अपना थंबनेल को बिना प्ले बटन के जो है आपको मिलता था, और प्ले बटन के साथ जो है आपको उसको कुछ उसका जो है परचेस करना पड़ता था। मगर आज दोस्तों मैं आपको ऐसा एक साइट बताऊंगा जिससे जो है आप इस तरह का प्ले बटन के साथ जो है आप अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक में, वो भी बड़े थंबनेल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ये देखिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। अब जो है दोस्तों, यहाँ लाइब्रेरी में क्लिक करके मैं अपना माई वीडियो में चला जाता हूँ। अब दोस्तों, यहां से मैं अगर अपना कोई वीडियो शेयर करना चाहता हूं तो यहां थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहां से शेयर में क्लिक कर लेते हैं। यहां आपको इस तरह का जो है ऑप्शन नज़र आएगा। दोस्तों, यहां सबसे ऊपर क्रिएट पोस्ट जो है ये अपना कम्युनिटी टैब है। आपका अगर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो ये जो है आपको मिल जाएगा। और नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो फेसबुक डायरेक्ट मिलता है, मगर यहाँ अगर आप डायरेक्ट शेयर करेंगे अपने वीडियो को तो आपको जो है बड़ा जो है थंबनेल नहीं मिलेगा और उसमें जो है वो कुछ खास जो है लगेगा नहीं, देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली वीडियो है या क्या है। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ से जो है लिंक को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद में यूट्यूब को चलो बैक कर लेते हैं। और अब जो है मेनू में जाके क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको साइट का नाम बता रहा हूँ वो है विड्राइस। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है उस डिस्क्रिप्शन के लिंक जो है वहाँ से क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस साइट पे आने के बाद में यहाँ आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ नीचे आप देखिए, आप फेसबुक पे अगर डायरेक्ट आपका वीडियो अपलोड करेंगे तो इस तरह का आपको जो है थंबनेल नज़र आएगा और इसमें प्ले बटन भी नज़र नहीं आएगा। और आप जब इसके साइट से अपलोड करेंगे तो यहाँ जो है आपको इस तरह का थंबनेल, बड़ा सा थंबनेल प्ले बटन के साथ जो है मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप प्ले बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का प्ले बटन लगाना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ से जो है मैं यहाँ इस बॉक्स पे अपना जो वीडियो का लिंक है उसको मैं पेस्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं जनरेट लिंक पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों, कुछ ही समय बाद जो है अपना लिंक जनरेट हो गया है और यहां आप देख सकते हैं तो इस तरह का थंबनेल जो है मेरे वीडियो का आ चुका है। इसके बाद दोस्तों, आप चाहें तो इसमें और कुछ चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे थंबनेल। आप अगर चाहें तो यहाँ से अपना थंबनेल जो है चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई थंबनेल अगर लगाना है तो यहाँ से जो है पेन के क्लिक जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल में से जाके आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने मोबाइल में से कोई भी थंबनेल जो है लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे नहीं लगाता हूँ। और आगे का ऑप्शन में है, यहाँ टाइटल में चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको देखिए प्ले बटन आपको मिल जाता है। नॉन में रखना चाहते हैं तो कोई बिना प्ले बटन का सिर्फ इमेज आएगा, और यहाँ जो है आपको प्ले बटन भी मिल जाते हैं। तो मैं ये वाला प्ले बटन जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आप देखिए ये प्ले बटन जो है आ गया। आप यहाँ से कोई भी प्ले बटन जो है
सिलेक्ट कर सकते हैं और ये प्ले बटन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से प्ले बटन इस YouTube वाले प्ले बटन को रख देता हूँ ताकि लोग जान सके कि ये जो वीडियो है YouTube से है, YouTube का है। और दोस्तों यहाँ और भी नीचे ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट टू YouTube, तो इसको आप इनेबल करेंगे तो कोई भी अगर उस क्लिक करेगा तो वो जो है डायरेक्ट YouTube पर चला जाएगा, यानी कि आपका वीडियो जो है वो YouTube पे प्ले होगा। तो इसको भी चलिए हम इनेबल कर देते हैं। और नीचे जो है तो नीचे वाले ऑप्शन को चलो छोड़ देते हैं, इसको जो है इनेबल कर लेते हैं और उसके बाद में सेव चेंज पे यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है लिंक जनरेट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम इस लिंक को जो है यहाँ से इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट हम चले जाते हैं अपने फेसबुक पे। तो दोस्तों मेरा जो है फेसबुक ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है मैं अपने पोस्ट पे जो है यहाँ पे अपना जो लिंक है उस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो थंबनेल है वो काफ़ी बड़ा थंबनेल है और प्ले बटन के साथ है। और यहाँ से जो मैं चाहे तो अपने फ्रेंड्स को जो है टैग कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ दोस्तों को मैं टैग कर देता हूँ इस वीडियो पे, तो आप भी अपने दोस्तों को यहाँ से टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैंने टैग भी लगा दिया है और उसके बाद पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में शेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि अपना जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बड़ा सा थंबनेल के साथ है, प्ले बटन भी है। तो इसमें जो है कोई भी अगर ये वीडियो देखना चाहता है तो सिंपल इस इमेज पे क्लिक करेगा यहाँ पर और उसके बाद में अपना जो वीडियो है डायरेक्ट यूट्यूब पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वीडियो को जो है फेसबुक पर शेयर करके फेसबुक से भी जो है व्यू ला सकते हैं आपका वीडियो पे, जो है फेसबुक के साइड से भी जो है आपको व्यू मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अपना जो है यूट्यूब डायरेक्ट यहाँ से जो है अपने ओपन हो गया है। यहाँ से कोई भी बंदा जो है जो इस वीडियो को देखना चाहता है इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपने वीडियो को बड़े थंबनेल के साथ जो है फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप अगर आपका फेसबुक पेज बनाए हैं तो फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ मेरा एक फेसबुक पेज है, दो फेसबुक पेज है, तो एक्शन का रिएक्शन ये मेरे चैनल के नाम में फेसबुक पेज बनाया है। तो यहाँ जो है चलिए मैं यहाँ भी इस वीडियो को शेयर कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मेरा फेसबुक पेज है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप जो है मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ जो है मैं अपने उस लिंक को जो है यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ टैग का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और पब्लिश। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने यूट्यूब के वीडियो को जो है बड़े थंबनेल के साथ फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे जो है आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अपना जो है फेसबुक पेज पे भी मैंने जो है बड़े थंबनेल के साथ अपना वीडियो जो पोस्ट कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।